फिर से एक और नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे बिजली बिल जमा करने के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं किस तरह से आप जो है अपना बिजली बिल चेक कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं इस पर कम्प्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास CSC ID है और आप CSC भी ली है फ्रेंड्स, तो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते होंगे, ठीक है। तो किस तरह से CSC से आप जो है बिजली बिल जमा करा सकते हैं, यानी कि CSC ID से लॉगिन करके आप अपने बिजली बिल को जमा कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपका अपना बिजली बिल हो या किसी कस्टमर का बिजली बिल हो, बहुत ही आसानी से आप CSC के माध्यम से फ्रेंड्स बिजली बिल को जमा करा सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ आप बनने रहना होगा, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो गाइज, मैं सुजीत सनी फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ सुजीत टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। या फिर सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा केंद्र का जो एप्लीकेशन है आपका, वो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके उसके लॉगिन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा कहाँ डिजिटल सेवा का एप्लीकेशन, देख सकते हैं यहाँ पे है, मैं इसे ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर user ID CSC का जो आपका user ID है, वो user ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन का एक ऑप्शन मिल गया है, या सिंपल सी लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे user ID पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर दिए हैं। आपके नेट के स्पीड के ऊपर है, आपको जितना जल्दी आपका हो सके उतना जल्दी आपका डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। नेट फास्ट रहेगा तो जल्दी ओपन होगा, अगर जल्दी फास्ट नहीं रहेगा तो जल्दी ओपन नहीं होगा। तो मेरा ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा अभी लॉगिन प्रोसेस ये हो ही रहा है। जैसे साइन इन वाला ऑप्शन में फ्रेंड्स क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है CSC ID डाल देना है, जो भी आपका CSC ID है। आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, जो आपका CSC ID का पासवर्ड उसे यहाँ डाल देना है। और इस वाला कैप्चर को फ्रेंड्स आपको सिंपल सी यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना user ID पासवर्ड डालकर मैं अपने CSC ID का मैं लॉगिन साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन हो जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना CSC ID और पासवर्ड डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, कैप्चर भी डाल दिया हूँ। मैं साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका जो है CSC ID यहाँ पर देख सकते हैं कि CSC ID के माध्यम से आपका जो है पोर्टल यहाँ लॉगिन हो गया है। आपके सामने डैशबोर्ड इस तरह का आ गया है। आपको फिर से यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला जो ऑप्शन जहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो चल रहा है स्क्रॉल होता हो रहा जा रहा है, इसमें आपको खींचना है इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिजली बिल का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप, तो इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर बिल पेमेंट जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सिंपल सी इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे बिल पे पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर्च का एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल से सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट स्टेट जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार से हूँ मैं, तो बिहार चूज कर लिया हूँ। और यहाँ पर आप जहाँ जो भी आपका यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसको आपको चूज कर लेना है। वैसे यहाँ पे है मेरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अर्बन जो लिखा हुआ है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। हम जैसे इस पर फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, CA नंबर बता रहा है डालने के लिए। यहाँ पर ईमेल डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद फीच बिल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे अपना जो है consumer ID यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, इतना ही से मेरा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, email ID डालिए या ना डालिए। और सिंपल सी यहाँ मैं फीच बिल पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे फीच बिल वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप फीच बिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो कंज्यूमर नेम होगा, जिनके नाम से आपका बिजली बिल होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा नाम, यहाँ पे consumer ID आपका शो हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो भी अमाउंट होगा नीचे की तरफ आपका शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम नीचे की तरफ फ्रेंड्स आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको अमाउंट डाल देना है कि कितना अमाउंट हमको पे करना है। तो
यहाँ पे हमको पे करना है जितना अमाउंट हमको यहाँ पे डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पे रुपये, यानी कि 1429 रुपये यहाँ पे जो फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा हुआ है, इतना रुपये हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको ये 1400 रुपये अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे पैसा डाल देना है जितना भी आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पे आपको CSC का वैलेट पिन जो है उसको यहाँ पे डाल देना है। और सिंपल से यहाँ पे रुपये जो 1429 रुपये मेरे लिखा हुआ है इस पर आपका जितना भी बिजली बिल रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपल सी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो है अमाउंट डाल दे रहा हूँ कि जितना मुझे अमाउंट डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1429 रुपये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं वैलेट पिन डाल दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे अपना जो है अमाउंट मैं 1429 रुपये यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैलेट पिन भी डाल दिया हूँ। अब पे रुपये 1429 यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सी वाला पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल बता दिया है। यहाँ पे रुपये 1429 मैंने पेमेंट किया तो बता दिया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर बता दिया है और मर्चेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे बता दिया है। तो सब कुछ कुछ इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन आ गया है। अगर आपको रिसीविंग चाहिए तो रिसीविंग के लिए यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आपको आना है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है डाउनलोड PDF और यहाँ पे प्रिंट। अगर कंप्यूटर से करें तो आप प्रिंट कर ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे QR कोड के साथ यहाँ पे आ गया है। पूरा ही बढ़िया से यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आ गया है यहाँ पे रिसीविंग निकल करके कुछ इस तरह से। तो सिंपल से मैं डाउनलोड PDF पे क्लिक कर दे रहा हूँ। डाउनलोड PDF पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स मेरा जो है PDF में मेरा जो है बिजली बिल ये जो जो बिजली बिल का जो मेरा जो रिसीविंग है फ्रेंड्स ये डाउनलोड हो जाएगा PDF के रूप में। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप CSC के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बिजली बिल भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उस पर आपको कमीशन जितना मिलना होगा आपको आपके रिफंडेबल आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ।